न्यूज 18 के रिपोर्टर पर गया मैं, जूनियर इंजीनियर जूनियर जो डॉक्टर हैं उन्होंने पिटाई की है सर, क्या अभी दुर्भाग्य मेरी हुई बात हो रही थी, काफी दुखद है जाकर घंटा घटना की निंदा हम करते हैं और मुझे कानून को हाथ में लेने का किसी डॉक्टरों ने काम किया है तो निश्चित तौर पर वहाँ के प्रशासन देख रही जाकर के यह जानकारी मिली है, मुकदमा भी हुआ है जाकर के, तो निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। पानी जमा था जल जमाव वाले पे कार्रवाई कौन दोषी है? आपके घर में पानी लगा हुआ था, दो दिन नहीं निकले, अधिकारी नहीं थे। आज आपको लगता है कोई कार्रवाई हो जाएगी? या होनी चाहिए, बैठक के बाद पूछा जाता है। नहीं नहीं, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? आपके घर में पानी लगा हुआ था, आप जरूर चाहेंगे कि जो जल जमा हुआ देखो हाईवी रेन हुआ था थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब कुछ कमियां थी, मतलब ऐसा लगता है जाकर के जहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी थी जाकर के वो नगर निगम हो या जो भी लोग हो जाकर के, तब है कि इसकी तो बने की समीक्षा में सब बात सामने आने वाली जाकर के है, वो आने के बाद सच्चाई सामने अपने आप आ जाएगी। क्योंकि हम भी चाहेंगे यदि जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया है तो ऐसे लोग कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की साख तो खराब हो गई, मंत्री के घर में पानी, कार्रवाई की मांग बने मंत्री को छोड़ दीजिए, आम जनता हमारी ताकत जनता है, जनता मुसीबत में आ गई जाकर के, और लगातार हजारों लोग ऐसे तो वाले सब विषय पर चर्चा भी होगी, अगर चर्चा के बाद निकल कर बात आती है तो चाहे तो इंतजार कीजिए तो सामने सारी बात आएगी। आप इस मांग को उठाएंगे बैठक में कि कार्रवाई करें सरकार? मांग वहां उठाएगा सुना जाए तो सीधी चर्चा होगी और निश्चित तौर पर एक रास्ता निकलेगा आगे के लिए भी, परमानेंट सोल्यूशन भी होगा। अजीत कारणों से जो स्थिति पैदा हुई थी पटना में जाकर के काफी बदनामी हुई सरकार की जाकर के, हम निश्चित चाहेंगे ऐसे जो भी लोग जिनकी लैकने से कारण ऐसा हुआ है तो कार्रवाई कौन लोग तब जांच के बाद भैया है ना अभी पूरी बात सामने आ जाएगी, सर पूरा ऑपरेशन होगा सामने सारी बात आ जाएगी। ठीक 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 है। न्यूज 18 के रिपोर्टर पर गया मैं, जूनियर इंजीनियर जूनियर जो डॉक्टर हैं उन्होंने पिटाई की है सर, क्या अभी दुर्भाग्य मेरी हुई बात हो रही थी, काफी दुखद है जाकर घंटा घटना की निंदा हम करते हैं और मुझे कानून को हाथ में लेने का किसी डॉक्टरों ने काम किया है तो निश्चित तौर पर वहाँ के प्रशासन देख रही जाकर के, यह जानकारी मिली है मुकदमा भी हुआ है जाकर के, तो निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। पानी जमा था जल जमाव वाले पे कार्रवाई कौन दोषी है? आपके घर में पानी लगा हुआ था, दो दिन नहीं निकले, अधिकारी नहीं थे। आज आपको लगता है कोई कार्रवाई हो जाएगी? या होनी चाहिए, बैठक के बाद पूछा जाता है। नहीं नहीं, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? आपके घर में पानी लगा हुआ था, आप जरूर चाहेंगे कि जो जल जमा हुआ देखो हाईवी रेन हुआ था थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब कुछ कमियां थी, मतलब ऐसा लगता है जाकर के जहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी थी जाकर के वो नगर निगम हो या जो भी लोग हो जाकर के, तब है कि इसकी तो बने की समीक्षा में सब बात सामने आने वाली जाकर के है, वो आने के बाद सच्चाई सामने अपने आप आ जाएगी। क्योंकि हम भी चाहेंगे यदि जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया है तो ऐसे लोग कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की साख तो खराब हो गई, मंत्री घर में पानी, कार्रवाई की मांग मंत्री को छोड़ दीजिए, आम जनता हमारी ताकत जनता है, जनता मुसीबत में आ गई जाकर के, और लगातार हजारों लोग उम्मीद है कोई रिजल्ट निकलेगा सर, निकले नुकसान हुआ है आपको लगता है मुआवजा मिलना चाहिए? ऐसे तो वाले सब विषय पर चर्चा भी होगी, अगर चर्चा के बाद निकल कर बात आती है तो चाहे तो इंतजार कीजिए तो सामने सारी बात आएगी। आप इस मांग को उठाएंगे बैठक में कि कार्रवाई करें सरकार? मांग वहां उठाएगा सुना जाए तो सीधी चर्चा होगी और निश्चित तौर पर एक रास्ता निकलेगा आगे के लिए भी, परमानेंट सोल्यूशन भी होगा। अजीत कारणों से जो स्थिति पैदा हुई थी पटना में जाकर के काफी बदनामी हुई सरकार की जाकर के, हम निश्चित चाहेंगे ऐसे जो भी लोग जिनकी लैकने से कारण ऐसा हुआ है तो कार्रवाई कौन लोग तब जांच के बाद भैया है ना सर, ठीक है अभी पूरी बात सामने आ जाएगी, सर तो पूरा ऑपरेशन होगा सामने सारी बात आ जाएगी। ठीक 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 है ठीक ठीक है। मांग भी हो रही थी जाकर अच्छा है, इससे देखिए जब तक सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, GST लगाने से जो लीकेज था लीकेज खत्म हुआ जाकर के और सरकार का रेवेन्यू बढ़ा है, इससे देश का राज्य का विकास होगा। ठीक।